हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ चाउमीन। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने पानी ले लिया है गर्म करने के लिए, इसको रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा नमक, तो हम 80% कम से कम पका देंगे, पूरा नहीं पकाएंगे, 80% पका देंगे। तो हम पका लेते हैं, फिर आपको ये नूडल्स पक चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। मेरे नूडल्स ठंडे हो गए हैं, नूडल्स ठंडे हो गए हैं। अब मैं जो सामग्री इसमें पड़ेगी वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दो शिमला मिर्च ली है छोटी, उसको छोटा छोटा काट लिया है। ये थोड़ी सी अदरक है, ये दो हरी मिर्च है, ये छोटा सा प्याज है, इसको भी काट लिया है छोटा छोटा। ये दो गाजर हैं, इसको मैंने कद्दूकस किया है। और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी है, ये चिली सॉस है, ये टमाटो सॉस है थोड़ा सा, और ये सोया सॉस है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसका ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज डालेंगे, अदरक, इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, गाजर, तेज आंच पे ही फ्राई करना है। डालेंगे टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस। नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा डाल देंगे। एक चम्मच काली मिर्च, तो देखिए ये मेरा चाउमीन बनके तैयार है। ये देखिए, अब इसको हम सर्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाउमीन बनके तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। That you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel